मानसून सत्र समाप्त होने के साथ ही समूचे देश में टाइगर रिजर्व में टूरिज्म शुरू हो जाता है। इसी क्रम में देश सहित विदेश में बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में भी 1 अक्टूबर से पर्यटन पुनः शुरू हुआ है। इस वर्ष मानसून के बाद शुरू हुए पर्यटन की विशेषता यह है कि पहली बार इसमें महिला गाइड पर्यटकों को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जगह जगह फैली जैव विविधता की जानकारियां देती नजर आएंगी। लेकिन इसमें एक विशेषता यह जुड़ गई है कि एक महिला सरपंच ने गाइड का काम शुरू किया है। 30 वर्षीय रेवती ध्रुवे सुहागपुर जनपद पंचायत की ग्राम टेकापार में सरपंच है तथा अब वे मढ़ई में गाइड का कार्य भी शुरू कर चुकी हैं। आपको बता दें कि महिला गाइड्स की पहली सूची में 20 महिलाओं को स्थान मिला है, जिनमें से 10 महिला गाइड सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में सेवाएं देंगी, जबकि 6 महिला गाइड बफर जोन में पर्यटकों की जंगल सफारी में उनके साथ मौजूद रहकर वन्य जीवों की जानकारियां देंगी, जबकि 4 महिला गाइड को बैकअप के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। सरपंच का मोह त्याग कर गाइड बनी महिला रेवती ध्रुवे ने टाइम 8 मध्य प्रदेश से विशेष चर्चा में कहा कि वो स्ट्रांग बनना चाहती हैं, परिवार पर निर्भर रहना नहीं चाहती तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर होने का संदेश देना चाहती हैं। यही कारण है कि उन्होंने गाइड का काम शुरू करने का निर्णय लिया, आवेदन जमा किया, परीक्षा उत्तीर्ण की और सफल प्रशिक्षण प्राप्त कर 1 अक्टूबर 2021 से नई भूमिका निभाना शुरू कर दी है। इधर टाइम 8 मध्य प्रदेश से चर्चा में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व असिस्टेंट डायरेक्टर संदेश महेश्वरी ने बताया कि 1 अक्टूबर से मढ़ई में पुनः पर्यटन शुरू हुआ है तथा इस बार के टूरिज्म सेशन में 20 जिप्सियां उपयोग में लाई जा रही हैं, जिनमें से 15 जिप्सी ऑनलाइन बुकिंग के लिए रहेंगी, जबकि 2-2 जिप्सी ऑफलाइन बुकिंग व क्षेत्र संचालक कोटे में रहेगी। 1 जिप्सी बैकअप के लिए सदैव तैनात रखी जाएगी, जो कि जंगल में किसी अन्य जिप्सी के खराब होने पर तत्काल मौके पर पहुंचकर पर्यटकों को लेकर सफारी पर आगे बढ़ेगी। महेश्वरी ने बताया कि पहले दिन की मॉर्निंग शिफ्ट में 3 पार्टियां जंगल सफारी में गईं, जिनमें 11 पर्यटक शामिल थे। ग्राम पंचायत टेकापार में सरपंच है जी, सर सरपंची चल रही है, यस सर। अचानक गाइड का जो काम है, इस ओर आने का विचार कैसे आया, क्या कारण आपको समझ में सर? हम लोग क्या है कि कहीं भी कोई अधिकारी आता है कि या किसी से बात करते हैं तो हमको मतलब स्पष्ट बात नहीं कर पाते, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम लोग स्ट्रॉन्ग बने और अच्छे से कोई भी अधिकारी आए, कोई भी लोग आए हमारे पास, तो हम उनसे अच्छे से बात कर सकें। क्या परिवर्तन ट्रेनिंग में और आज जो पहला दिन है काम करने में आपको नज़र आया? सर आज हमें ऐसा महसूस लग रहा कि हमारे सामने कहीं कोई भी लोग आ जाए, हम उनसे बातें अच्छे से ठीक से कर पाएंगे। गाइड का काम निरंतर करना चाहेंगे या सरपंची में लौटना चाहेंगे? सर अभी तो हमने सर विचार नहीं बनाया। सर अभी तो हमको सिर्फ स्ट्रांग बनने का सोचा है। यह है भारत की नारी शक्ति, जिसने सुहागपुर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के सुदूर क्षेत्र सुहागपुर ब्लॉक के आदिवासी बेल्ट में एक संकेत दिया है कि आत्मनिर्भर बनना कितना आवश्यक है। एक महिला की आत्मनिर्भरता किस तरह से परिवार के संचालन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, उसका उदाहरण टेकापार ग्राम पंचायत की सरपंच, जो कि वर्तमान में भी सरपंच है, जिनका नाम सरपंच की सूची में अभी भी शामिल है, रेवती ध्रुवे, उन्होंने स्पष्ट रूप से संकेत दे दिया है कि आने वाला वक्त हमारा है। ये वो महिला है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने की ओर कदम बढ़ाती है। अपने आप में एक उदाहरण बनी हुई है रेवती ध्रुवे। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस क्षेत्र से उठी नारी सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता की आवाज़ पूरे देश में कहीं ना कहीं गूंजेगी। मध्य प्रदेश की सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन मढ़ई से टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए मैं अमित बिल्लोरे। सबसे पहले तो चूंकि कोरोना की महामारी अभी पूर्णतः ख़त्म नहीं हुई, तो इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जा रहा है। टूरिज्म में जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनका थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था की जा रही है, जिससे कोई संक्रमण हमारे स्टाफ में भी नहीं जाए, अगर स्टाफ में कोई है तो वहाँ पर नहीं जाए। हालाँकि अभी संभावनाएँ लगभग नगण टाइप की है, यहाँ पर सब स्वस्थ हैं। आज रीओपनिंग के दिन टोटल 11 टूरिस्ट आए हैं, 3 पार्टियां हैं, टोटल 11 टूरिस्ट हैं और एक केनू की पार्टी आई है। और आज का एक विशेष एसटीआर के लिए महत्व यह है कि महिला गाइडों का आज फर्स्ट टाइम
यहाँ पर सेवाएं देना उन्होंने प्रारंभ किया है, शुभारंभ भी हमने उन्हीं के हाथों से कराया है। कितनी महिला गाइड रखी गई हैं? कोर एरिया में 10, बफर के लिए 6 और ऑन कॉल पे 4, टोटल 20। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए सुहागपुर से अमित बिल्लौरे की रिपोर्ट।